Hello friends, welcome to my another vlog of Fatigue to Active, and thank you so much to give your love and support to my first vlog One Morning with All of You. मैं इसमें फर्स्ट आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी बता रही हूँ जो कि है ओट की इडली, जो हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट है. इसके अलावा मैं आपको एक रोड साइड पर टैलेंटेड म्यूजिक दिखाऊंगी, और हम गए थे टिगरा डैम पर, वहाँ पे भी मैं लेकर चलूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी से, जो है ओट की इडली. इसकी डिमांड मेरे को बहुत थी कि आप ओट की इडली बताइए, सो ये मैं आपको आज इस ब्लॉग में इसकी इडली बताना बता रही हूँ. और मैं इसमें अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ऑन ही रखूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि मैं इसमें आपकी आवाज़ बंद नहीं कर रही हूँ, ये ब्लॉग है इसलिए. सो फर्स्ट मैंने इसमें लिया है एक कटोरी ओट का आटा, आधी कटोरी सूजी, और मैं इसमें ले रही हूँ एक कटोरी होममेड कर्ड, और मैंने लिया है एक चम्मच उड़द दाल और एक चम्मच मूंग दाल, क्योंकि ये जल्दी से फ्राई हो जाती है. और साथ में मैंने ग्रीन चिली ली है, और मैंने कड़ी पत्ता लिया है जिसे मैंने सीजर से काट के रखा हुआ है, और साथ में मैंने एक चम्मच राई ली है, और मैं ले रही हूँ एक पाउच इनो, और मैं साथ में इसमें लूँगी एक चम्मच नमक. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी. सबसे पहले फ्राई पैन पे एक चम्मच तेल डालेंगे, और तेल गर्म होने पर मैं इसमें डाल देती हूँ सबसे पहले अपनी दोनों दालें, एक चम्मच मूंग दाल और एक चम्मच उड़द दाल, और इसे अच्छी तरीके से हम लोग रोस्ट कर लेते हैं तेल में, जिससे उसका कच्चापन इसमें से चला जाए. ये देखिए ये रोस्ट हो गई है, और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच राई. और अब मैंने इसे बाउल में अपने निकाल लिया है. और अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच नमक, और मैं डाल रही हूँ होममेड एक कटोरी कर्ड, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. मैं रेसिपीज बनाते समय म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ, इसलिए मेरा हमेशा म्यूज़िक ऑन रहता है, और मैं गाने सुन सुन के इंजॉय करते हुए अपना खाना बनाती हूँ. सो आप भी ये ट्राई करें यदि आपको पसंद आए तो, पर सबकी अपनी अलग चॉइस है, सो आपको जैसा अच्छा लगे आप वो करें.
पर मुझे ऐसे क्लासिकल सॉन्ग्स या बॉलीवुड के पुराने सॉन्ग्स सुनने बहुत अच्छे लगते हैं। और अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच इनो, और उसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ठंडा पानी, और इसे हम इस टाइप से मिक्स कर देंगे। देखिए बबल्स आ रहे हैं और उसकी आवाज़ देखिए कितनी अच्छी आ रही है। चलिए मिक्स बन गया है, इडली के सांचों को ग्रीस कर देते हैं इस टाइप से। और अब इसमें इडली का मिक्स मैं एक एक चम्मच इसमें डाल देती हूँ। इसे फुल भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपनी जगह खुद ले लेगा, और उसे फूलने के लिए भी थोड़ी सी जगह छोड़नी है। बनने के बाद एक बार इसे इस टाइप से कर दें तो थोड़ा सा पूरा अच्छी तरह से अपनी जगह ले लेता है। अब इडली के में मैंने पानी डाल दिया है इडली के बॉक्स में, और इसमें हम अपने सांचे रख देते हैं। और 5 मिनट्स में हमारी इडली बनके रेडी है। ये देखिए, क्योंकि बहुत हेल्दी है, ओट ब्रेकफास्ट तो वैसे ही हेल्दी होता है, पर पूरे टाइम ओट को मिल्क में डाल के खाना अच्छा नहीं लगता, और मीठे से ज़्यादा नमकीन खाना या इडली फॉर्म में खाना सबसे बेस्ट है। सो ये ट्राई कीजिए, बीच बीच में चेंज कर कर के ब्रेकफास्ट लेना और हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना सबसे बेस्ट आइडिया है। तो इसे मैंने मूँगफली की चटनी के साथ बनाया है। मूँगफली की चटनी का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज़, इसलिए मैंने सिर्फ इसमें ओट की इडली का डाल रही हूँ। ये हमारी इडलीज रेडी हैं सर्व करने के लिए, जो बहुत टेस्टी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप इसे मिल्क के साथ या कर्ड के साथ या लस्सी के साथ पी सकते हैं। नेक्स्ट उस दिन मॉर्निंग में हम लोग गए थे गुरुद्वारे, और गुरुद्वारे के बाहर हमें एक ये आदमी मिला जो बहुत अच्छा म्यूज़िक बजा रहा था। सो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है जो मैं आपको सुना रही हूँ। Thank you.
इसके बाद हम लोग निकले हमारे टिकरा डैम के रूट पे। टिकरा डैम एक डैम है जो कि तीन पहाड़ों के बीच में सिर्फ नदी का पानी इकट्ठा किया गया है और चौथे साइड पे उसका डैम बनाया गया है। बिकॉज वो तीन पहाड़ों से घिरा है इसलिए उसे टिकरा डैम बोलते हैं, और एक साइड पे उसे गवर्नमेंट की तरफ से डैम बनाया गया है। ये ग्वालियर के पास है और हम लोग, मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ आई हुई थी और संडे को हम लोग वहाँ पे गए घूमने के लिए। तो चलिए चलते हैं और इन्जॉय करते हैं इस डैम की जर्नी को। चारों साइड पे ग्रीनरी है और वो पास में दूर से दिख रहा है डैम आते हुए। हम लोग पहुंच गए हैं डैम पे। ये देखिए बहुत लोग आए हुए थे, कारें काफ़ी खड़ी हुई थी इस समय क्योंकि लग रहा था कि कोरोना टाइम है, पता नहीं लोग होंगे क्या नहीं, पर बहुत लोग डैम में आए हुए थे। और भुट्टे, चना जोर गरम और बहुत चीज़ें बाहर मिल भी रही थी, पर हम लोग पिकनिक के हिसाब से आए थे तो घर से अपना सामान खाने का लेके आए थे। ये पानी रेन का पानी है जो कि इकट्ठा होता है, इसलिए बहुत क्लियर पानी है। यहाँ पे मोटर बोट्स एंड पैडल बोट्स सब थीम उधर पे, हम लोगों ने फैमिली बोट ली है। बोट वाले ने अपना रेडियो ऑन करके रखा हुआ था जिससे कि वो भी बहुत अच्छा लग रहा था जो मैं आपको सुना रही थी। थैंक यू विथ अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट मी हाउ यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।